सत्ता में रहते हुए जो मुसलमान बेदखल हो गए थे गांव से, उनको दखल दिहानी दिलाने के लिए हमने नीतीश कुमार जी के भरोसे छोड़ दिया था, हम नाकाम रहे थे। दरअसल कांग्रेस और राजद की राजनीति भी तो यही रही ना, बांटने और काटने की। लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्यों के प्रति लोगों का जो समर्थन है, लोगों का जो विश्वास है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और महागठबंधन चारों का चारों सीट जीतने जा रही है, जन चारों जगहों पर जीत रहे हैं। और इसी उपचुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियों को धूल चटाकर हार का स्वाद चखाने वाले हैं। तमाम पार्टियां इस वक्त जनसुराज के भौकाल से, जनसुराज की लहर से घबराई हुई हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी माँ सरस्वती के साथ भी मजाक करते हैं। अरे आपके पिता माननीय लालू प्रसाद जो राजनीतिक रूप से नजरबंद थे, आपकी योग्यता पर भरोसा नहीं रहा तो पैसा बोलता है, इसके लिए चुनावी मैदान में निकल पड़े। आपको कलम और कॉपी से व्यक्तिगत सरोकार नहीं रहा है। अरे आप तो चरवाहा विद्यालय को रोल मॉडल मानने वाले लोग हैं। और सांप्रदायिकता के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ने का राजनीतिक दम्भ है तो कबूल करिए कि मेरे पिता ने सोनपुर मेला में अपने शासन काल में भागलपुर दंगे के अभियुक्त को चांदी का मुकुट पहनाया था। और सत्ता में रहते हुए जो मुसलमान बेदखल हो गए थे गांव से, उनको दखल दिहानी दिलाने के लिए हमने नीतीश कुमार जी के भरोसे छोड़ दिया था, हम नाकाम रहे थे। दरअसल कांग्रेस और राजद की राजनीति भी तो यही रही ना, बांटने और काटने की। कांग्रेस के शासन काल में इस देश में 10,000 से अधिक दंगे हुए, नरसंहार हुए। राजद के शासन काल में बिहार में 118 नरसंहार, कितने जातीय खूनी संघर्ष हुए। तो जब मोदी जी और योगी जी बात करते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटे हुए तो कटोगे, इनको परेशानी होती है। दरअसल की पीड़ा है बांटने और काटने वाले ये लोग, इसमें घबराहट पैदा हो गई है इनके इस बयान से, मोदी जी के इस बयान से। ये अपने आप को परेशान हताहत फील महसूस करते हैं कि देश अगर एक हो गया तो ऐसे चुटपुंजी राजनीतिज्ञों का क्या होगा। इसलिए लोग हताश हैं, परेशान हैं, लेकिन देश मोदी जी की बातों पर भरोसा करता है। देश अब एक साथ एकता के सूत्र में बंध कर चलने वाला है। अब इनके सिद्धांत पर फूट डाल हासिल करो की राजनीति देश में अब नहीं चलेगी। चार सीटों के उपचुनाव में महागठबंधन के प्रति लोगों का स्पष्ट रूप से समर्थन और विश्वास दिख रहा है। लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्यों के प्रति लोगों का जो समर्थन है, लोगों का जो विश्वास है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और महागठबंधन चारों का चारों सीट जीतने जा रही है। देखिए, हमें जनता का समर्थन है, हमें जनता पर विश्वास है। और जनता जिस तरह से तेजस्वी जी के कार्यों के प्रति, तेजस्वी जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जो सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, उससे लोगों का विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर और बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन सरकार के माध्यम से हमने जो नौकरियां दी, हमने जो रोजगार दिए, हमने बिहार के विकास को नया आयाम दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया, शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया, इससे लोगों का और विश्वास मजबूत हुआ है तेजस्वी जी के नेतृत्व पर। देखिए, जहां तक एनडीए का सवाल है, एनडीए के प्रति लोग का स्पष्ट मत है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार में सरकार का एक बार समाप्त हो गया। बिहार में सरकार के स्तर से नौकरी और रोजगार को समाप्त करके नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं पर अत्याचार में वृद्धि हो रही है, और जिस तरह से अपराध अपराधियों का बोलबाला है, उसके कारण बिहार की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। और परिवर्तनकारी राजनीति में नया आयाम देने के लिए सभी लोगों का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के प्रति दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में जो नौकरी और रोजगार दिए, जो बिहार को विकास का नया आयाम दिया, और नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से बिहार और बिहार के जनता के हितों में, बिहार के लोगों के हितों में जो सवाल खड़ा किए, उस पर सरकार के स्तर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। चार जगह बाई इलेक्शन की वोटिंग है। हमारी पार्टी जनसुराज चारों जगहों पर बहुत ही मजबूती के साथ खड़ी है। हमने बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत की है और बहुत ही मजबूत लड़ाई लड़ी है। हम ये जंग चारों जगहों पर जीत रहे हैं। और इसी उपचुनाव में
तमाम विपक्षी पार्टियों को धूल चटाकर हार का स्वाद चखाने वाले हैं। तमाम पार्टियां इस वक्त जनसुराज के भौकाल से, जनसुराज की लहर से घबराई हुई हैं। हम जीत ही दर्ज नहीं करेंगे बल्कि एक इतिहास भी रचेंगे। आम जनता जनसुराज में ही बिहार का राजनीतिक भविष्य देख रही है। अब वो बंधुआ मजदूर रहना नहीं चाहती, अब जनसुराज ही जनसुराज चारों तरफ दिखाई और सुनाई देने वाला है।